गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आज हम क्लास सेवेंथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखो, ऋतु गोज टू 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। उसने क्या बोला है कि जो है रीता गोज टू, यानी रीता जाती है ईस्ट की साइड में, जाती है पहले वो 20 किलोमीटर एंड फिर वेस्ट के साइड में जाती है 30 किलोमीटर, यानी पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, वो बंदे नोटेड कर लेते हैं। ये आपकी एक नंबर लाइन है, जैसे इस टाइप से डायरेक्शन में दे रखा है उस टाइप से है। ये नंबर लाइन वेस्ट की है, इधर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब देखो यहां पॉइंट क्या है, यहां पर तो बी है और यहां पर ए है। इसने क्या बोला है, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, यानी रीता ए से पॉइंट बी तक 20 किलोमीटर ईस्ट की साइड में जाती है। ए से बी तक रीता जो है 20 किलोमीटर ईस्ट की साइड में जाती है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अब उसने क्या बोला है, अलोंग द सेम रोड, उसी सेम रोड पर फ्रॉम बी। अब फ्रॉम बी, यहां बी से कहा जा रहा है, फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब वेस्ट की साइड में इधर जा रही है वो 30 किलोमीटर, कितना जा रही है वो अप्रोक्स, यहां भी क्यों 20 किलोमीटर तो यहां है, अप्रोक्स 30 किलोमीटर यहां तक हो गया, क्योंकि ये जा रही है आपकी रीता जो पहले तो पॉइंट ए से बी तक गई थी, फिर अब आपकी बी से यहां तक वेस्ट की साइड में आएगी। तो इधर वाली डायरेक्शन जो है ईस्ट वाली साइड पॉजिटिव होगी और इधर वाली डायरेक्शन जो है नेगेटिव। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स, ईस्ट वाली जो साइड है वो पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करती है, then how will you represent the distance traveled by towards west, why which integer will you represent the final position from a, final position uski from a se kis side mein hogi। to yahan dekhenge, dekho final position kya hai, pehle to ye hai east, देख देंगे सॉल्व करके। रीता गोज 2 hours ईस्ट, तो ईस्ट इधर से ए से ईस्ट A टू B, A से B तक, A से B तक तो प्लस 20 किलोमीटर। अब उसने क्या बोला है, रीता गोज, अब उल्टा अदा करेंगे, रीता गोज टू वर्ड्स वेस्ट, बी टू एन उदर पॉइंट, बी टू एन उदर पॉइंट जो दे नहीं रखा है, एन उदर पॉइंट, तो ये पॉजिटिव प्लस का 20 है और इधर जा रही है वो वेस्ट की साइड में, तो नेगेटिव पॉइंट होगा। तो फाइनल पोजीशन उसकी क्या है, पहले में तो फाइनल पोजीशन
उसकी वेस्ट की साइड में है। क्या कुछ है इसमें? फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, ए से फाइनल पोजीशन कितनी है? और देखो यहां पर देखेंगे, यहां से यहां तक, ए से बी तक, ए से बी तक 20 किलोमीटर है और बी से यहां तक 30 किलोमीटर है। तो ये वैसे सिंपल में हमें यहां क्या पता पड़ रही है, ये वाली साइड यही तो बच रही है, 20 किलोमीटर ये गया, 30 में से तो 10 ही तो बचा, तो लिख सकते हो आप 20 - 30 = -10 किलोमीटर। और फाइनल पोजीशन किस साइड में रह रहा, डायरेक्शन कौन सी वेस्ट? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, एक बार समझ लो। देखो रीता गोज टू वर्ड्स ईस्ट ए टू बी, यानी ए टू बी से रीता जा रही है ए से लेकर बी तक 20 किलोमीटर ईस्ट की साइड में, जो पोजीशन आपकी पॉजिटिव है। रीता गोज टू वर्ड्स वेस्ट टू बी टू एन अदर पॉइंट, बी से किसी एन अदर पॉइंट तक जा रही है माइनस के 30 किलोमीटर, एंड फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब फ्रॉम ए से फाइनल पोजीशन उसकी कितनी हो गई, फ्रॉम ए से फाइनल पोजीशन उसकी कितनी हो गई? देखो 20 किलोमीटर यहाँ है, 30 किलोमीटर यहाँ है, तो 20 - 30 तो कितना बचा, माइनस के 10 किलोमीटर। कौन सी साइड में? वेस्ट वाली साइड में। कौन सी साइड में? वेस्ट वाली साइड में। क्वेश्चन नंबर 7, मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम्स एंड द डायगोनल्स हैव द सेम सम, चेक वेदर फॉलोइंग द मैजिक स्क्वायर। ये बॉक्स दे रखे हैं, इसको चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। ये इसका ए पार्ट है और ये एक और इसका बी पार्ट है, वो आपको खुद करना है। देखो ये वाला, ये कॉलम बोले जाते हैं C1, इसको C2, इसको C3 मान लेते हैं, ये R1 रो है, R1, R2, R3, तो इसमें कौन सा बोला है कि सम ऑफ, तो सम ऑफ R1, पहले सम करो R1 को, 5 + -1 + -4, तो कितना हो जाएगा 5 - 1 - 4, कितना हो गया 5 - 5 = 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई R1 की 0। ऐसे ही R2 चेक करेंगे, सम ऑफ R2 क्या हो जाएगा -5 - 2 + 7 - 7 + 7 = 0, तो ये भी क्या आ गया सम ऑफ R2, ऐसे ही सम ऑफ R3। सम ऑफ R3 में 0 + 3 - 3, 3 कटा क्या बचा 0, यानी हमने क्या देखा कि सम ऑफ R1 R2 R3 सभी 0 आ गए। ऐसे ही आपकी C1 C2 और C3 C1 एंड C2 एंड C3 ये आपको खुद करना है। ये भी अगर 0 आ जाते हैं, अगर ये इन तीनों में से ये 0 आ जाते हैं
फिर इसके बाद डायगोनल और चेक करने हैं, ये वाली जो लाइन होती है D1 या D2 मान सकते हो, ये वाली जो लाइन होती है D2 मान सकते हो इसको या D1 मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो D1 क्या है, सम ऑफ D1 तो इधर क्या है आपका 0 प्लस माइनस 2 और माइनस के 4, तो ये क्या हो गया माइनस 2 और माइनस के 4, इसका मतलब माइनस का 6 आ गया। ऐसे सम ऑफ D2 कितना दे रखा है 5 माइनस 2 माइनस 3, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी सिंपल हमने देखा कि 0 माइनस 2 माइनस 4, यहां पर एक जो D1 है आपका 0 नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट मैजिक स्क्वायर, इट इज नॉट मैजिक स्क्वायर। यानी कंडीशंस क्या है आपकी, R1, R2 और R3, ये सभी R1, R2 और R3, C1, C2 और C3 एंड D1 और D2 सभी एक जैसे आते हैं तो ही आपका मैजिक स्क्वायर होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका B वाला पॉइंट जो दे रखा है उसको बिल्कुल सेम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे और उसको चेक करेंगे कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड किसी को, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।